आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कीटगंज उद्योग व्यापार मंडल ने कीटगंज के व्यापारी विनोद चाट भंडार के पुत्र राजन गुप्ता की गोली मार की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। जुलूस का नेतृत्व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री जिला अध्यक्ष रमेश केसरवानी, कीटगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित केसरवानी के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों ने कीटगंज पुलिस बूथ होते हुए किरण थाने होते हुए वापस कीटगंज पुलिस बूथ पर जुलूस समाप्त हुआ। वहां पर व्यापारी को संबोधित करते हुए अगस्त अमित केसरवानी ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी काला दिवस मनाते हुए कीटगंज बाजार को बंद करके व्यापारी अपना विरोध प्रकट करेगा, क्योंकि अभी तक खुलासा न होने पर व्यापारी काफी आक्रोशित है। हत्यारों को फांसी दे और जल्द से गिरफ्तार करके व्यापारी को न्याय दिया जाए। रमेश केसरवानी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार। हमारा विरोध आज इसलिए निकला है, हमारे छोटे भाई राजन गुप्ता जिसको हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग ने ये जुलूस निकाला है। पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, हत्यारे को पकड़ो, उसको फांसी दो। प्रशासन ने आपको 24 घंटे का वक्त दिया था, कोई 24 घंटे का कोई आज 24 नहीं 72 घंटे नहीं और ज्यादा हो गया है, मगर तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। अपराधी पुलिस प्रशासन से यही मांग है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अपराधी को पकड़ के लाओ, पकड़ने के बाद उसको फांसी देना चाहिए। ऐसे क्या अपराधियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। व्यापारी सिर्फ व्यापार करना जानता है, फूल के व्यापार करना जानता है। व्यापारी अगर आ जाएगा, अगर गोली बम बारूद पे आ जाएगा तो फिर समझ लीजिए दुनिया भी एक से उधर जाएगी। व्यापारी अपना सामान्य व्यापार करता है, व्यापार को व्यापारी को व्यापार करने दीजिए, इससे ज्यादा उसका कोई वो नहीं होगा। मैं कीटगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित कुमार केसरवानी। भैया मैं कीटगंज व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। तो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है उनको जो सिक्योरिटी सुरक्षा जो मिली वो है ही है। हमें यह मालूम भी होना चाहिए एक व्यापारी के नाते कि क्या बात हुई है, ऐसी क्या बात हुई कि 5 मिनट में मिट्टी उड़ गई, 2 घंटे में जो है नहीं मिट्टी उड़ी, 5 मिनट में क्यों मिट्टी उड़ गई, क्यों उड़ गई, ऐसा क्या बात हुई, ऐसा क्या बात हुई है, क्या बात हुई डीएम साहब ने, ऐसी क्या बात की है कि जो है वो मिट्टी उड़ गई। हमें ये मालूम होने का अधिकार है, हमें जानना है कि ऐसा हुआ क्या, क्या बात हुई कि उन्होंने 5 से 10 मिनट मिट्टी उठा दी, ये हमें क्यों। व्यापार भाई आप मेरे साथ हैं कि नहीं, मालूम होना चाहिए हमें, ये मालूम होना चाहिए कि क्या बात हुई है, क्या बात हुई हमें मालूम होना चाहिए। मेरा परिचय, मैं शिव जी के शरणी कीटगंज उपाध्यक्ष। हम बोलेंगे बताइए, जो मेरी जो है सबसे बड़ी मांग है, हम व्यापारियों की मांग है। देखिए जिस दिन जो है घटना घटी है, जिस दिन हमारे छोटे भाई की मिट्टी आई है घर पे, उस दिन डीएम साहब आए हैं, डीएम साहब ने क्या बात किया हम लोगों को नहीं मालूम, डीएम साहब ने क्या फैसला लिया हम लोगों को नहीं मालूम। पहली बात तो वो फैसला सबके समक्ष आना चाहिए, उन्होंने क्या बोला है, क्या बात आई जी। इलाहाबाद यही निवेदन करते हैं कि व्यापारी के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसे बंद करें और अपराधी को या तो इनकाउंटर करें या तो उसे गिरफ्तार करें, जेल भेजें और उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाएं। उसके साथ ही साथ मृतक के परिवार को 1 करोड़ की सहायता और जो घायल है उनका उपचार और 25-25 लाख रुपए की सहायता कीटगंज व्यापार मंडल की मांग है। दूसरी चीज हम लोगों की एक मांग और है कि उनके परिवार को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो हत्यारा है उसका परिवार, उसके भाई कुख्यात अपराधी है, उनका इतिहास जो कि जानकारी में आई है वो मैं आप भाइयों की ये मांग है कि अगर 48 घंटे के अंदर, आज के दिन से 48 घंटे के अंदर अगर वो नहीं पकड़ के आता है पुलिस पांडे, तो हम लोग यहाँ पर चक्का काम करेंगे और एक दिन बंदी का पूरा प्रावधान रखकर थाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।